यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था पीवी राम शास्त्री का बयान, 50 लाख का बीमा कराने का आश्वासन दिया है। प्रक्रिया चल रही है, सबसे पहले 5 जरूरी जिलों में व्यवस्था की जा रही है। पूरे 75 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। पुलिस पूरी निष्ठा से काम कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, अनावश्यक रूप से लोगों को रोकने में पुलिस मदद कर रही है। पुलिस आवश्यक सेवाओं में अपना योगदान दे रही है। पीवी राम शास्त्री कह रहे हैं, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट की भी कार्रवाई हो सकती है। आईपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कर्मी अपने घरों से दूर रहकर पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को पूरे प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है अभी तक कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ। अस्पताल सड़क चौराहों पर मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना के पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार लोगों को सहायता पहुंचा रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडीजी एलो साहब। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना पीड़ित जो हैं बढ़ रहे हैं। 41 जिले हैं इसके चपेट में आ चुके हैं, लेकिन 34 अभी पूरी तरीके से सेफ हैं। तो पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएँ की जाएंगी कि उन 34 जिलों को अभी सेफ रखा जाएगा? सबसे पहले पुलिस का कर्तव्य है कि जो लॉकडाउन की कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से मेंटेन करें, और इसमें जो भी एनफोर्समेंट एक्शन करना चाहिए वो करें। वो अच्छी तरह कर रही है पुलिस। और बाकी जो 34 जिलों में जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो लॉकडाउन के जरिए और बाकी जिलों से भी जो आवागमन है, अननेसेसरी आवागमन यात्रियों का, ये जनता का ना रहें, सिवाय कि गुड्स छोड़ करके। तो ये कुछ ऐसे अंश हैं जिसको लेकर के पुलिस अपना कार्य कर रही है। सर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पुलिस लगातार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है, चाहे वो हॉस्पिटल के बाहर उनकी ड्यूटी हो या फिर कोरोना पीड़ितों के पास पहुंचाकर उनकी सुविधाएं जो रोजमर्रा की होती पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने कहा था कि 50 लाख का बीमा इनका भी कराया जाएगा, अभी प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? जैसे आपने कहा था कि सरकार ने कहा है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मेरे ख्याल में वो हो जाना चाहिए जल्दी में। सर, देखा गया है कि तमाम जिलों में जहां पर जमाती जो दिल्ली में मरकज में शामिल होकर लौटे थे और कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अस्पतालों से वो भागने के भी कई जगह की सूचना है, तो FIR भी दर्ज हुई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाए? देखिए, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भी अपराध बनता है, और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट का उल्लंघन में फिर IPC का एक 188 IPC का भी बनता है। साथ में जो हमारे जो इंडियन पिनल कोड के भी दो सेक्शंस हैं वो भी बनते हैं। इस प्रकार का कम से कम 4 सेक्शंस के अंतर्गत इनके विरुद्ध अगर कोई, वो किसी के विरुद्ध भी, एक ये कोई अंतर नहीं है, अगर कोई भी आदमी जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है और संक्रमण फैलाने के प्रयास करता है, वो तबलीगी हो, नॉर्मल आदमी हो, जो भी हो, सबके ऊपर ये नियम लागू है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडीजी एलो रमा शास्त्री जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ वो काम कर रही है। न्यूज़ ऑन इंडिया भी आपसे अपील करता है कि जो भी पुलिसकर्मी आपके घर के आसपास ड्यूटी पर लगे हुए हैं, वो सिर्फ आपके लिए लगाए गए हैं, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। देखिए, बिल्कुल, जितने भी कोरोना वॉरियर्स इस वक्त लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, वो आपकी ज़िंदगी को सेव करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे बार बार अपील की जाती है कि आप लोग अपने घरों पर रहिए। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इस वक्त एकमात्र विकल्प यही है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और देश को भी बचाएं। नमस्कार।